हाय गाइस, तो मैं आपके लिए आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, ओप्पो F17 Pro। ओके, तो ओप्पो F17 Pro के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ इसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें एंड तक और एंजॉय करें ये वीडियो। ओप्पो आई सी सी जो कि एक ब्रांड है, इसके साथ जुड़े हुए हैं एंड्रॉयड फ़ोन। वी नो हर एक मोबाइल में एंड्रॉयड आता है, बिकॉज एंड्रॉयड इज़ वेरी गुड फुल फॉर एंड्रॉयड मोबाइल। तो सारी डिटेल्स आप सब देख सकते हैं, हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, आपके भी और मेरे भी। तो इसमें ओप्पो F17 Pro की बहुत ही अच्छे तरीके से आज अनबॉक्सिंग दूंगा, तो प्लीज़ इन्जॉय करें ये वीडियो को, और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए दी ओम शो। और लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना। और एक हमारा आज एम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियो है बट इसमें नहीं है, तो प्लीज़ इस पर कम से कम 200 व्यूज़ होने चाहिए और 50 लाइक्स प्लस शेयर बहुत होना चाहिए प्लीज़, थैंक यू। हाँ, तो अब देख सकते हैं अनबॉक्सिंग में सबसे पहले हमें मोबाइल मिल जाता है ओप्पो F17 QLED डिस्प्ले। वाओ, डिस्प्ले तो बहुत ही मस्त है। बात करें पीछे की लुकिंग, तो गुड लुकिंग विथ एमोल डिस्प्ले, सॉरी एमोल नहीं है, QLED की डिस्प्ले है। और प्लस अब हमें मिल जाता है एक कवर प्लस सिम स्लॉट फॉर पिन, लाइक सिम निकालने के लिए पिन दिया गया है और कवर इसके अंदर मिल जाता है। कवर क्वालिटी अभी हम टेस्ट करके बताएंगे तो कैसा है, सॉरी टेस्ट नहीं, चेक करके बताएंगे। तो चेक किया हमने तो कवर क्वालिटी इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड सीइंग ऑसम, और कवर बहुत ही अच्छा है बाकी सब कवर में से, आज तक मैंने ऐसा कवर देखा नहीं है, और टच करके पता चल जाता है कैसा कवर है। तो ये कवर की बात करें तो बहुत, अब गाइडेंस और फीचर्स की बात कर सकते हैं, ऑल डिटेल्स मिल जाता है ओप्पो गाइड और फीचर्स के। तो ये ओप्पो गाइड फीचर्स में पता चलता है हमें कि ओप्पो मोबाइल को कैसे यूज़ करना है। ये ओप्पो F17 Pro का लिए है, प्रो के लिए है, तो प्लीज़ इसे यूज़ करें और देखें तब समझे। अब बता दें इसके चार्जर, चार्जर वेरी फास्ट वॉट चार्जर है, 18+ वॉट चार्जर है ये, वेरी फास्ट चार्जर, एंटी ड्यूअल चार्जर है, सिंगल USB पोर्टेबल है। प्लस ओप्पो के साथ हमें एक ईयरफोन भी मिल जाता है, जो कि अभी मैं उसको दिखाऊंगा कैसा है, तब तक चार्जर की देख सकते हैं आप लोग। ये ओप्पो चार्जर हो गया सिंगल पोर्टेबल। अब बात करते हैं ईयरफोन की, तो ईयरफोन का इसका है जो नॉइस कैंसिलेशन है, प्लस 5.6 mm है। वायर क्वालिटी बात करें, वायर वेरी नॉइस। और बड्स की बात करें, इसमें बड्स नहीं दिया, सिंगल चेन दिया है। फिर डायरेक्टली कॉल अप एंड कॉल बटन, एक सिंगल बटन दिया गया जिससे कॉल उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्लस माइनस वॉल्यूम बटन इज़ नॉट गिवन इन दिस ईयरफोन। प्लस अब बात कर ले, ये सबको साइड करते हैं, अब हम जाएंगे मोबाइल पे। ओके, तो मोबाइल की जानकारी देख सकते हैं, मोबाइल के साथ हमें कवर चाहिए ओप्पो F17। अब कवर ले लेंगे, फिर कवर लगा के देखेंगे मोबाइल कैसा लगता है, अच्छा है कि नहीं। कलर हो गया रेड और वाइट, कवर है वाइट कलर का, तो सॉरी मोबाइल हो गया वाइट पिंक। और ये चार्जर USB, जो मैंने USB शो नहीं किया था वो USB इधर है, तो प्लीज़ सी इट इज़ इन दिस चार्जर प्लस USB, वेरी वंडरफुल कलर वाइट जो कि दिया है। बहुत ही लॉन्ग वायर है, 6.78 मीटर। टाइप सी का चार्जर है ये, इन्फो टाइप सी जो सिर्फ रेडमी में आता था, अब इसमें भी टाइप सी दे दिया गया है ओप्पो में भी। और कलर की बात कर ले तो ये लाइट पिंक है, बोल सकते हैं इसे लाइट रेड जो कि बहुत ही वंडरफुल है। और वाइट में जब इसे करेंगे तो बहुत ही लुकिंग गुड ऑसम दिखेगा। स्टाइल की बात करें तो स्टाइल बहुत ही है। कैमरा की बात कर ले तो 5 MP कैमरा, 8 MP और 12 MP और एक एक्स्ट्रा है MP कैमरा। दिस आर दी 4 कैमराज। फ्रंट कैमराज जो है, ये तो जो चार कैमरे थे वो रियर्स फर्स्ट फोन, टोटल 5 कैमराज आर देयर इन ओप्पो F17 Pro। ओप्पो के पीछे साइड हमें, नीचे डाउन साइड पे हमें स्टाइल स्टील का स्टाइल कलर का मिल जाता है ओप्पो, जिसमें हम देख सकते हैं। और ये फ्रंट से लुकिंग हो गया। आप इसकी स्पीड क्वालिटी की बात कर ले तो स्पीड क्वालिटी वेरी नाइस, चेक करके देख सकते हैं आप, तो दिख ही सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पे। तो ये सब है ओप्पो F17 के। अब ओप्पो F17 के अंदर फीचर्स क्या दिया गया है उसको देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दिखा दूँगा, प्लीज़ उसे देखिए और फिर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दिए उसे ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, और बने रहे दी ओम शो के साथ।
तो आप सब देख सकते हैं ये सब हो गया। फ़ोन स्टोरेज 128 GB स्टोरेज दिया गया है। अब बात कर लें नीचे जाके अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन पे क्लिक करते ही आप सब देख सकते हो ओप्पो F17 दे दिया है, बेस्ट बैंड एंड्रॉयड डिवाइस है। फिर 8 GB रैम प्लस स्टोरेज आप देख ही सकते हैं, 128 GB स्टोरेज है, और इसको एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 256 GB स्टोरेज तक, ऐसा इसमें दिया गया है। और 2 SIM स्लॉट है, 1+ मेमोरी कार्ड है, सिंगल सिम स्लॉट पिन दिया गया है। अब बात कर ले मेरे चैनल की। तो हे गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं दी ओम शो के वीडियो, तो प्लीज़ मैं भी आपको वो सब डिटेल्स दूंगा, उसे ध्यान से देखिए और ऐसा करिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेट्स सी, सबसे फर्स्ट नेट ऑन कीजिए, यूट्यूब पे जाइए। अब नेट ऑन हो गया, यूट्यूब पे जाएंगे हम। ये तो वीडियो है जो मैंने बोला था सेटिंग्स, इसमें एडिटिंग साइड के लिए ऊपर दिया गया है ओप्पो में। ओप्पो में एडिटिंग है, प्लस नेट है, एयरप्लेन मोड है, एक्स्ट्रा डिटेल्स जो ऊपर सेटिंग्स में दिए हैं साइट्स में वो सब है। अब मैं बता दूँ, यूट्यूब पे जाइए सबसे पहले, फिर सर्च इंजन में जाइए। सर्च इंजन पे क्लिक करते ही सबसे पहले तो इसमें अकाउंट चेक कर लीजिए, अकाउंट कितने आपने बनाया कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे जाने से पहले अकाउंट ज़रूरी होता है। तो अकाउंट तो बना हुआ है, तो फिर सर्च करिए दी ओम शो। ओम शो करेंगे तो लास्ट में नीचे आ जाएगा द ओम शो R40। द ओम शो R40 पे क्लिक करें, डायरेक्टली मेरे चैनल पे एंट्रिंग हो जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। ओके, दूसरी बात, अब मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा कि हमारे चैनल पे कैसे वीडियो बनते हैं, सक्सेसफुल स्टोरी बनते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी बनते हैं, सेकेंडली डांसिंग वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो, और भी कुछ वीडियो मैं बनाऊंगा नए नए, और टेक्निकल पे भी वीडियो बनते हैं। तो आप हमें कमेंट में बताएं ज़रूर से ज़रूर कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, जिस पे भी चाहिए आपको मिल जाएगा, बट कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, बने रहे हमारे साथ। अब मोबाइल की बात कर ले तो मोबाइल के अंदर पिन मिल जाता है, सिम स्लॉट पिन, फिर स्कैन बार कोड, आप सब जान सकते हो ओप्पो F17 के बारे में, ओप्पो के बारे में। आगे ऊपर 4 कैमरा फ्रंटिंग, स्टाइलिश बहुत ही अच्छा है। तो मैं इस अनबॉक्सिंग में बने रहने के लिए शुक्रिया। ये तो फोटो है ओप्पो और रेडमी नोट 7 प्रो। कमेंट में बताएं कि दोनों में से कौन सा मोबाइल का कैमरा बहुत ही अच्छा लगा और बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी ओम शो, शुक्रिया हमारे साथ बने के लिए, धन्यवाद।